सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं ग्रीस पालीवाल यहाँ पे आज फिर से एक ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसमें मेथड लिखा है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, ईजेएमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज की जाती है इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। यानी कि ई जे एम आर के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो किस सेंस में की जाती है, इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर और प्लुरल दो प्रकार के होते हैं। सिंगुलर में ही, सी, इट और एनी नेम, प्लुरल में आई, वी, यू, दे। सिंगुलर को एक वचन करता है, प्लुरल को बहुवचन करता बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में ई जे एम आर के साथ। देखिए, पहला मेथड तो एक सिंपल सा है, अगर मैं बोलूँ तो ही इज जैसे है, यहाँ पे ही इज के बाद यहाँ पे नेम आ जाता है। जैसे ही इज रमेश, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ही इज रमेश, वो कौन है, रमेश है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, रमेश क्या है। तो अगर मैं इस पर बात करूँ तो रमेश नेम है। नेम यानी कि नेमिंग वर्ड जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो सिंपल सा केस हो गया, ही इज़ रमेश, वो है रमेश है। ठीक है, दूसरे मेथड की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारे पास, ही इज के बाद नेम नहीं है। नेम अगर होता तो सीधी सी बात आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, वो सब लोग जानते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई एम ग्रीस तो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब अगर मैं बोलूँ आई एम एजुकेटेड, तो या यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ ही इज एजुकेटेड, तो यहाँ पे इसके बाद फुल स्टॉप लगाया है मैंने, तो वह क्या है, एजुकेटेड है। यहाँ पे अब ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये क्या है, वह है। ही इज का मतलब है वह है। एजुकेटेड जो है यहाँ पे ये किसके रूप में काम कर रहा है, यानी कि शिक्षित है, ही इज एजुकेटेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें लग रही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो के पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ग्रामर की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। तो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसी को जब एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जैसे एजुकेटेड, तो एजुकेटेड का मतलब है शिक्षित है, तो वह शिक्षित है। मैंने बोल दिया रमेश इज एजुकेटेड, तो यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो रही है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं यहीं पे बोलूँ तो एजुकेटेड से पहले, अब एक चीज़, एक मेथड और बनता है यहाँ पे, एजुकेटेड से पहले मैंने एन क्यों नहीं लगाया, आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि एजुकेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले नहीं लगेगा। अगर नाउन होता तब जाके मैं लगा सकता था। तो यहाँ पे ही इज एजुकेटेड। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ दूँ, पर्सन, ऊपर जैसे मेथड में लिखा है ही इज एजुकेटेड पर्सन, तब जाके यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, तब जाके मैं यहाँ पे एन आर्टिकल लगाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं था, इसलिए ही इज एजुकेटेड। और दूसरा मेथड ये बता दिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज की जाती है। अब तीसरा देखिए, आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ यू आर मैरिड, आप शादीशुदा है, मैरिड यानी कि ये भी पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए ना, वर्ब है तो वर्बियल क्या हो जाएगा, या वर्बियल एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। यानी कि जैसे वर्बियल नाउन को जेरेंट बोलते हैं, तो वर्बियल एडजेक्टिव को क्या बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ तो रिटन ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, रिटन है, लिखित है। रिटन टेस्ट बोलते हैं ना, टेस्ट होते हैं जैसे एग्जाम होते हैं, तो रिटन है, तो एक तो ऑरल होता है मौखिक, दूसरा रिटन लिखित, रिटन टेस्ट है बोलते हैं ना, रिटन है कहने का मतलब। तो रिटन में वहाँ पे क्या यूज होता है, रिटन, देखिए रिटन वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ना होके पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया जाता है, यानी कि वर्बियल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। तो आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। देखिए मैरिड, अब मैरिड क्या है, मैरिड और अनमैरिड, ऐसे करके आपने देखा होगा ऑप्शन भी रहता है, आर यू मैरिड और अनमैरिड,
यानी कि तो आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, कहने का मतलब है। आर यू मैरिड का मतलब ऐसा नहीं कि पैसिव वॉइस में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पैसिव वॉइस वाला यूज भी मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा, इससे रिलेटेड यहीं पे जो और भी जितने मेथड्स हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं अगले यहाँ पे ऑप्शन की, थर्ड यहाँ पे सेंटेंस है, राहुल इज डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंट, निराश, डिसअपॉइंटेड यानी कि डिसअपॉइंटेड है, निराश है। तो डिसअपॉइंटेड यहाँ पे कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ऐसा इसमें इसको ऐसे नहीं देखना है कि डिसअपॉइंटेड है तो डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटेड ऐसे करके नहीं यूज़ करना है, क्योंकि डिसअपॉइंटेड यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल के रूप में यूज़ हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। राहुल क्या है, डिसअपॉइंटेड है, निराश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, अगले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे अमित इज क्या है, सॉक्ड, अमित सॉक्ड हैं। अमित, अब जैसे अभी बात करें तो बंगाल चुनाव की बात कर लेते हैं, अमित शाह जी जैसे हैं तो परिणाम जो है उनके पक्ष में नहीं है, तो वहाँ पे क्या कह सकते हैं, अमित इज सॉक्ड, यानी कि अमित शाह जी के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट, चुनाव का नतीजा देखकर अमित शाह जी के हैं सदमे में हैं, आफ्टर सीइंग या वॉचिंग बोल सकते हैं द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस, बंगाल इलेक्शंस, अमित शाह इज सॉक्ड। तो यहाँ पे सॉक्ड का मतलब है सदमे में होना। ठीक है, तो सीधी सी बात भाई, कर्म करने पड़ेंगे अगर रिजल्ट चाहिए होता है तो। अगले यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो ही इज टॉट, अब ये वाला देखिए, ही इज टॉट, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, ये वाला सेंटेंस मैं इसलिए लेके आया हूँ। तो देखिए, ही इज टॉट तो क्या है, मैं बताऊँ, आई टॉट, मैंने बोला, ऐसे बोल दिया सेंटेंस, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ या मैं उसे सिखाता हूँ। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना या सिखाना ही तो होता है, तो आई टीच हिम। तो अब इसका पैसिव बनाओ तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ऐसे, तो हिम का हम सब्जेक्ट कर देंगे और आई का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और टीच की जो है थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। तो क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, यानी कि हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब देखिए, टीच है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर यूज किया जाता है, ही इज, अब ही के साथ क्या आता है, इज, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टॉट, ही इज टॉट। बाय मी ने कर रखा है यहाँ पे, तो ही इज टॉट, उसे सिखाया जाता है, जैसे आपने इस टाइप के सेंटेंस भी देखे होंगे, इट इज, ये तो एक कॉमन सा आपने सुना भी होगा, इट इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड, यह कहा जाता है, या इट इज़ सैड, इट इज़ कॉल्ड पुकारा जाता है भी बोल सकते हैं, इट इज़ सैड कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ स्पोकन बोला जाता है, यानी कि पैसिव यूज हो रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो ही इज़ टॉट का मतलब है उसे क्या किया जाता है, सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो ये थे कुछ थर्ड फॉर्म जो इज एम आर, यानी कि सब्जेक्ट ही सी इट या आई के साथ जो इनके बाद इज एम आर के बाद जो है या वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की गई। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट आपके 50 शेयर होने चाहिए, तब जाके कुछ आगे की प्रोसेस हम करेंगे, क्योंकि ग्रामर की वीडियोस पे आपका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है, तब जाके हम कभी कभार डालते हैं बीच में जब रिक्वेस्ट आती है या स्टूडेंट्स जब रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पे बना दीजिए। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि गेट गॉट के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उससे रिलेटेड वीडियो हम लेके आएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसे रहता है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।